आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हुक फॉर्म बनाना साउंड आर और एल के लिए विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स। पहले हम समझते हैं आर हुक बनाना स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ। अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न विद द राइट मोशन। एक छोटा हुक बनाते हैं, स्मॉल हुक, स्टार्टिंग में स्ट्रोक की स्टार्टिंग में राइट मोशन के साथ, लाइक दिस। हैंड हमारा राइट की तरफ जा रहा है। स्ट्रेट स्ट्रोक्स क्या हुए हमारे, कैसे, पी बी टी डी जे जे के गे। पी हम बनाते हैं लाइक दिस। अब पी के साथ अगर आर की साउंड है तो हम आर साउंड के लिए पी के साथ पहले एक स्मॉल हुक बनाएंगे। स्मॉल हुक बनाया, हैंड हमारा जो मूव किया है टुवर्ड्स राइट। इसी तरह बी आर है, इसके साथ हम बनाएंगे बी आर। वर्ड है टी आर लाइक दिस। राइट की तरफ जा रहा है हमारा हैंड, डी आर, डी आर, जे आर, आर, जे आर, जे आर, के आर। इसमें भी राइट की तरफ गया है हैंड, गे आर, गे आर। ये हैंड राइट की तरफ जा रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है जैसे प्रे, पी हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसके बाद आर है। आर की साउंड के लिए हम हुक फॉर्म बनाएंगे पी के साथ, प्रे, और फिर मे वाला वॉवल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम हुक जो है स्टार्टिंग में बना रहे हैं स्ट्रोक की, लेकिन इसको हम रीड स्ट्रोक के बाद करेंगे। पहले पी, फिर आर, और फिर वॉवल साउंड, मे वाला वॉवल, प्रे। वर्ड है क्रो, के की साउंड है क्रो। आर के लिए हमने हुक बनाया और फिर गो वाला वॉवल। वर्ड है ब्रेक, बी के साथ आर हुक, ब्रेक, बी के बी रीड किया, फिर आर हुक, मे वाला वॉवल और फिर के साउंड के लिए स्ट्रोक, ब्रेक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्ट्रोक हमारा रे होता है, इसके साथ हम हुक फॉर्म यूज नहीं करेंगे, साउंड आर या और एल की हुक फॉर्म नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम पहले ही जैसे ये कर चुके हैं। वे वे के लिए हमारा होता है दिस, ये के लिए हम बनाते हैं दिस। आगे समझते हैं हम एल हुक बनाना स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। स्मॉल हुक बनेगा, स्मॉल इनिशियल हुक बनेगा, जो लेफ्ट मोशन के साथ, रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन। लेफ्ट हमारा होता है दिस साइड, रिटर्न विद द लेफ्ट मोशन। इसमें भी हम रे के साथ हुक फॉर्म यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट स्ट्रोक रे। इसको एग्जाम समझते हैं हम। पी हम बनाते हैं दिस, पी के साथ एल की साउंड है, एल के लिए हुक फॉर्म बनाएंगे हम लेफ्ट मोशन के साथ, लेफ्ट मोशन, पी एल, बी एल, बी एल, टी एल, टी एल, डी एल, जे एल, जे एल। हैंड जो है हमारा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, के एल, लेफ्ट की तरफ, गे एल, गे एल। एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है हमारा ब्लो, बी के साथ एल हुक बनाएंगे, ब्लो, बी का स्ट्रोक, फिर एल हुक और फिर गो वाला वॉवल, प्लेस, प्लेस, पी के साथ एल हुक, मे वाला वॉवल और साउंड एस के लिए स्मॉल सर्कल। एन क्लोज, एन के लिए स्ट्रोक बनाएगा, के साउंड के साथ एल हुक बनाएंगे, फिर ये स्मॉल सर्कल बनाएंगे एस साउंड के लिए। एन क्लोज, एन क्लोज, एन से पहले पेन वाला वॉवल, के साथ एल हुक और फिर गो वाला वॉवल और स्मॉल सर्कल साउंड एस के लिए, एन क्लोज। हमने समझा आर और एल हुक बनाना विद स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। अब हम समझते हैं कर्व स्ट्रोक के साथ। आर हुक विद कर्व स्ट्रोक्स। अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न इनसाइड द कर्व। स्मॉल हुक बनेगा कर्व्स के अंदर। जैसे कर्व स्ट्रोक है हमारे एफ, वी, इथ, दी, इश, जी, एम, एन। एफ, एफ हम बनाते हैं दिस। एफ के साथ आर हुक बनेगा अंदर की तरफ, F के साथ R हुक, V R, इथ R, D R, इश R,
जी आर एम आर एन आर, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है जैसे एवरी, इसमें हम वी के साथ आर हुक बनाएंगे, एवरी, वी से पहले पेन वाला वॉवल और आर साउंड के बाद इस वाला वॉवल। एक और एग्जाम्पल करते हैं, वर्ड है अदर, दी, दी के साथ हम आर हुक बनाएंगे, अदर, और दी से पहले मच वाला वॉवल। हम ये लेफ्ट मोशन से बना रहे हैं। अब हम करेंगे एल हुक विथ टॉप स्ट्रोक्स। इसमें थोड़ा सा चेंज है, अ लार्ज इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व। अब तक हमने किया स्मॉल हुक बनाना, हमने सीखा आर और एल के साउंड के लिए स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ स्मॉल हुक, आर हुक किया कर्व स्ट्रोक के साथ स्मॉल हुक। इसमें हम एल हुक कर्व स्ट्रोक के साथ बनाएंगे, लेकिन लार्ज बनेगा, लार्ज इनिशियल हुक इनसाइड द कर्व। एफ एफ तो हम बनाते हैं ऐसे, एफ के साथ एल के लिए हुक बनाना है तो हम हुक बड़ा कर देंगे एफ एल। ये स्मॉल हुक है हमारे, ये है लार्ज हुक, वी एल वी एल, इथ एल इथ एल, इश एल। इसमें हम क्या करेंगे, इश, इश के साथ हमें एल हुक बनाना है तो इश स्ट्रोक को हम अपवर्ड बनाएंगे इश एल। इश के साथ हमने जब आर हुक बनाया था तो इश को हम बनाएंगे डाउनवर्ड, स्मॉल हुक है आर के लिए डाउनवर्ड, लेकिन इश के साथ अगर एल हुक बनाना है इश को हम बनाएंगे टूवर्ड्स अपवर्ड, अपवर्ड बनाया इस स्ट्रोक को हमने और एल के लिए लार्ज हुक एम एल एन एल। वर्ड है जैसे फ्लो, एफ के साथ हम एल हुक बनाएंगे, हुक बड़ा किया फ्लो और फिर गो वाला वॉवल। कैमल, एम के साथ एल हुक बनाएंगे कैमल, क साउंड के बाद एट वाला वॉवल। स्मॉल हुक टू इंग, एनजी इंग, इंग का स्ट्रोक हम बनाते हैं दिस, इसके साथ हम हुक फॉर्म करेंगे आर के लिए तो ये बनेगा लाइक दिस। इसके साथ जब हमने इंग के साथ आर की हुक फॉर्म करी तो ये दो साउंड देगा, इंग के आर की भी दे सकता है या इंग गे आर की भी दे सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्ड है जैसे बैंकर, इसमें साउंड है इंग के आर की, इसको हम बनाएंगे बैंकर, बी के बाद एट वाला वॉवल, फिर इंग का स्ट्रोक और उसके साथ आर हुक, बैंकर। वर्ड है फिंगर, इसमें साउंड दे रहा है इंग के साथ गे आर की, फिंगर फिंगर, एफ का स्ट्रोक फिर इंग का स्ट्रोक और उसके साथ आर, आर हुक और उससे पहले एफ के बाद इस वाला वॉवल है इस वाला वॉवल, फिंगर। अब हम समझते हैं वॉवल्स को डबल कॉन्सोनेंट्स के साथ, डबल कॉन्सोनेंट जो हम स्ट्रोक्स के साथ हुक फॉर्म बना रहे हैं। वॉवल्स आर प्लेस्ड एंड रेड टू द हुक फॉर्म्स एज दे आर प्लेस्ड एंड रेड टू द सिंपल फॉर्म्स। वॉवल साइन हम उसी तरह लगाएंगे जैसे जो सिंपल वर्ड्स हैं उनके साथ लगाते हैं, जैसे कि वर्ड है पाई, पाई, पी के बाद डिप्थोंग साउंड आई है तो पी की हमने राइट हैंड साइड पे लगा दिया। अब वर्ड है प्लाई, पी के साथ एल हुक बनाना है प्लाई, सिंपल, पी के साथ हमने एल हुक बनाया और पी की वही राइट हैंड साइड पे हमने डिप्थोंग साइन लगा दिया, कोई चेंज नहीं है। अब प्लाई, पी के साथ हम एल हुक बनाएंगे, अब प्लाई, पी के से पहले एट वाला वॉवल, पी के बाद पी और एल के बाद डिप्थोंग साउंड आई, अप्लाई। लीड हम बनाते हैं लीड, एल के बाद बी वाला वॉवल, डी का स्ट्रोक, डी से पहले लगाया हमने बी वाला वॉवल। अब वर्ड है लीडर, इसमें डी के साथ हम आर हुक बनाएंगे लीडर, सेम, हमने डी से पहले वॉवल जो साउंड है बी तो डी से पहले ही लगाया है। लीड में भी पहले थी तो हमने पहले लगाया था, लीडर में भी हमने पहले ही लगाया है लीडर, लीडरलेस है लीडरलेस, लीडरलेस। एल का स्ट्रोक बनाया, डी के साथ आर हुक बनाया और उससे पहले वी वाला वॉवल है, एल का स्ट्रोक फिर स्मॉल सर्कल साउंड एस के लिए, एल के बाद पेन वाला वॉवल, लीडरलेस। वर्ड है पिटी,
पिटी, पी का स्ट्रोक बनाया, टी का स्ट्रोक बनाया, टी से पहले और बाद में इस वाला वॉवल पिटी। अब वर्ड है प्रिटी, पी के साथ आर हुक बनाएंगे, प्रिटी, पी के साथ आर हुक बनाया और प्रिटी का स्ट्रोक, टी से पहले और बाद में इस वाला वॉवल प्रिटी। वर्ड है पीटर, पी के साथ आर हुक बनेगा, पी टर, पीटर, टू शॉर्ट लाइन्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल है पीटर। अब वर्ड है पीटर लू, पी टर लू, पीटर लू, पी के बाद टी का स्ट्रोक, उसके साथ आर हुक, फिर एल का स्ट्रोक, टी से पहले वी वाला वॉवल है, एल के बाद टू वाला वॉवल, पीटर लू, टू शॉर्ट लाइन्स, फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है। वर्ड है टाई, टी के बाद डिप्थोंग साउंड आई लगाया हमने, डिप्थोंग साइन। वर्ड है ट्राई, टी के बाद आर हुक बनाएंगे, टी के साथ हम ट्राई, टी के बाद हमने डिप्थोंग साइन लगा दिया। वर्ड है ट्राइफल, टी के साथ आर हुक बनाएंगे, एफ के साथ एल हुक बनाएंगे, ट्राइफल, टी के साथ आर हुक बनाया, डिप्थोंग साइन आई लगाया, एफ के साथ लार्ज हुक बनाया एल के लिए और ट्राइफल। अब वर्ड है ट्राइफ्लर, ट्राइफ्लर, टी के साथ आर हुक बनाया, साइन लगाया, डिप्थोंग साउंड आई, फिर एफ के साथ एल हुक बनाया और फाइनल आर के लिए डाउनवर्ड आर बनाया, एल के बाद पेन वाला वॉवल है तो हमने स्टन लगाया, ट्राइफ्लर। अब हम समझते हैं एक्सटेंडेड यूज ऑफ एल हुक। एक्सटेंडेड क्या हुआ होता है, किसी चीज को बढ़ाना, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्ड है जैसे डीपली, इसमें हम पी के साथ एल हुक बनाएंगे, डीपली, डीपली, पी के साथ एल हुक बना है, स्मॉल हुक है और पी से पहले वी वाला वॉवल, डीपली, एल के बाद इस वाला वॉवल, डीपली, एल के लिए हमने हुक बनाया है स्मॉल हुक। वर्ड है ब्रीफली, बी के साथ आर हुक, एफ के साथ एल हुक, ब्रीफली, ब्रीफ ब्रीफ ली, बी के साथ आर हुक बनाया, एफ के साथ एल हुक बनाया, एफ से पहले वी वाला वॉवल है, एल के बाद इस वाला वॉवल, ब्रीफली, ब्रीफलेस, ब्रीफ लेस, ब्रीफ लेस, बी के साथ हमने आर हुक बनाया, एफ के साथ एल हुक बनाया, बी के साथ स्मॉल हुक आर, फिर एफ के साथ लार्ज हुक एल के लिए और फिर फाइनल एस के लिए स्मॉल सर्कल। आर के बाद वी वाला वॉवल है, एफ से पहले है तो वी वाला वॉवल, एल के बाद पेन वाला वॉवल है तो एफ के मिड में पेन वाला वॉवल, ब्रीफलेस। वर्ड है थिनली, एन के साथ एल हुक बनाएंगे, थिनली, 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 इत का स्ट्रोक बनाया, एन के साथ एल हुक बनाया, लार्ज हुक, एन से पहले इस वाला वॉवल है, एन, एल के बाद इस वाला वॉवल, थिनली। एंड लाइटनर, एन के साथ एल हुक बनाएंगे और फाइनल एन के साथ आर हुक बनाएंगे, ध्यान से देखिए, एन के साथ एल हुक बनना है, लार्ज बनेगा, एन लाइटनर, एन लाइटनर, एन लाइटनर, एन के साथ एल हुक बनाया है, एन से पहले पेन वाला वॉवल है, एल के बाद डिप्थोंग साउंड आई, फिर ये वी का स्ट्रोक बनाया और एन से के साथ हमने आर हुक बनाया, ये स्मॉल हुक है, वी के बाद पेन वाला वॉवल है, एन लाइटनर। वर्ड है पीविशली, पी विशली, पी विशली, पी का स्ट्रोक, फिर वी का स्ट्रोक, इसके साथ एल हुक बनाया है, इसके साथ हमने एल हुक लार्ज बनाया तो हमने इसको अपवर्ड बनाया है, पी विशली, पी विशली, एल से पहले, इससे पहले इस वाला वॉवल है और एल के बाद इस वाला वॉवल है, इससे पहले लगाया और एल के बाद वाला, पी विशली। आज हमने बेसिक समझ लिया है, हम इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 39 के थ्रू। कोई भी क्वेरी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।